अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्ल्ड्स फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स में आज J-10C का पहला बैच बाकायदा शामिल कर दिया गया है। इस इंडक्शन की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान खसूसी थे, जबकि इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल और दीगर हुकाम ने भी इंडक्शन सेरेमनी में शिरकत की। पाक फिजाइया की इस एक्विजिशन और दीगर अहम पहलुओं पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक दोनों मालिक के दरमियान J-10C एक्विजिशन से मुतालिक बाकायदा मुआहदा 25 जून 2021 को तय पाया, जिसके सिर्फ 8 माह बाद चीन ने पाकिस्तान को इन तैयारों का इब्तदाई बैच यानी 6 तैयारे डिलीवर कर दिए। इब्तदाई बैच के 6 तैयारे 4 मार्च को पाकिस्तान पहुंचे। 4 मार्च को इन तैयारों को पाकिस्तान आमद पर F-16 एयरक्राफ्ट ने एस्कॉर्ट किया। पाक फिजाइया की इस एक्विजिशन से मुतालिक नंबर्स तो नहीं बताए गए, लेकिन अब तक 25 तैयारों की एक्विजिशन की इतलात है। ताहम मरहलावार मजीद एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे। एक इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक J-10C में शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, लॉन्ग रेंज और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट में प्रिसीशन ग्राउंड स्ट्राइक और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट की सलाहियत के अलावा PL-10 हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल के जरिए शॉर्ट रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान के हासिल करदा एयरक्राफ्ट को चाइनीज WS-10 से पावर्ड किया गया है, जबकि हालिया तकरीब में एक लिहाज से PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल और PL-10 शॉर्ट रेंज हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल की भी तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स J-10 को अक्वायर करने वाला पहला बैन अल-अक़वामी कस्टमर है, लेकिन पाक फिजाइया की तरफ से इसकी एक्विजिशन इस एयरक्राफ्ट की एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डोर्स को ओपन करेगी। पाक फिजाइया ने जहां इस एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन और इतने शॉर्ट टाइम में इंडक्ट करके दुश्मन को सरप्राइज किया, वहीं एयरफोर्स के मीडिया विंग की जानिब से जारी करदा आज एक वीडियो में पाक फिजाइया ने विंगलोंग 2 ड्रोन, TB-2 ड्रोन, YLC-8E रेडार, HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, तुर्क साख्ता किंजी ड्रोन की एक्विजिशन की एक लिहाज से तस्दीक करके दुश्मन की कांपें टांग दी हैं। अगर आप J-10 एयरक्राफ्ट के तमाम वेरिएंट्स, इसकी एवोल्यूशन यानी इर्तका, रेडार, वेपन्स और दीगर सलाहियतों के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल वीडियो का लिंक भी एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। पाकिस्तान ने SU-35 क्यों नहीं खरीदा, इसके अलावा S-400 के तोड़ से मुतालिक जानना चाहते हैं तो ये वीडियो भी चैनल पर पहले से मौजूद है। आप में से बहुत से लोगों ने सवाल किया कि इंडियन मिसाइल के हालिया कारनामे पर वीडियो बनाएं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह आपके तमाम सवाल और अहम एड्रेस किए जाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।